एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं अपने रेशो के ही, ठीक है ना। अब हम लोगों ने केस वन कर लिया था, केस टू भी कर लिया था, केस थ्री भी कर लिया था, केस वन का बिग ब्रदर भी कर लिया था और केस टू का बिग ब्रदर भी कर लिया था। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ स्पेशल क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। बच्चों आज भी मैं आप लोगों के साथ एक या दो स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आज की ही क्लास में हम अपने न्यू टॉपिक के कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, मैं आज आप लोगों के साथ स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, जिसपे कोई केस अप्लाई नहीं हो रहा है डायरेक्टली, बट उसने लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको तंग किया है, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं आज जो क्वेश्चन, वो है बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल ध्यान से देखे जा रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन 8 में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है, बट उसने ना थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्रिएट किया है जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, बट वो इजी है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूं। कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट of which he took 75% from P and the remaining from Q. Calculate the sacrifice ratio of P and Q. अब बच्चों यहां पे आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो 1/4 से हुआ है, ठीक है। अब वो अपना शेयर किससे ले रहा है, 75% from P and remaining from Q, ठीक है ना। अब यहां पे जो आर एडमिट हुआ है वो अपने शेयर को किस तरीके से बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट बच्चों हमें ओल्ड रेशियो तो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो अब हमें सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने न्यू रेशियो बोला नहीं है, पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना हमारा क्वेश्चन का पार्ट बन गया है, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले वर्किंग नोट का पार्ट करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट मैं बच्चों आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें पी का सैक्रिफाइस निकालना है और बच्चों क्यू का सैक्रिफाइस निकालना है, जिसका मेन फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें ये जो क्वेश्चन है ये मेन सॉल्यूशन है, तो हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बच्चों दो पार्टनर हैं P एंड Q, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बच्चों जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बताओ जरा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। उन्होंने बच्चों R को एडमिट किया 1/4 से, ठीक है ना। अब R क्या कह रहा है ध्यान से देखो, सब लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, गड़बड़ी आप लोगों से यही होती है। बच्चों जो R एडमिट हुआ है तो वो कह रहा है P और वो कह रहा है Q, वो कह रहा है मैं अपने शेयर का, तो भाई P का R का शेयर क्या है 1/4। ध्यान से क्वेश्चन को अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों दो पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3, नए पार्टनर को एडमिट किया है R को 1/4 से, केस नंबर सेकंड लग रहा है, ठीक है ना, पर उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है। किसको, लैंग्वेज प्रॉब्लम को। तो R कह रहा है मैं अपना 1/4 शेयर P से लूंगा, कितना इसका 75%, ठीक है ना। P से कितना लेगा बच्चों, वो 75% और बचा हुआ, भाई इसका 75% इसने दे दिया तो बचा कितना 25%, और 25% बच्चों वो Q से ले रहा है, किसका अपने 1/4 शेयर का, तो बचा हुआ कौन दे रहा है, Q दे रहा है 1/4। अब आप लोगों को यही पता लगाना है कि P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 75% तो दे रहा है, किसके शेयर का, R के शेयर का, किसके शेयर का बच्चों, R के शेयर का। सेम ऐसे Q भी कर रहा है, कह रहा है मैं भी Q
क्यू आर के शेयर का 25% दूंगा। हालांकि उसमें 25% बोला नहीं है, बट अगर ये 75% दे रहा है तो बच्चों टोटल 100% में से 75% इसने दे दिया तो 25% वही दे रहा होगा। क्लियर है ना? तो बच्चों ये है क्वेश्चन, केस टू है। इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा इश्यू क्रिएट किया गया, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों 75% 1/4 का 75% कितना होगा? 3/4। ठीक है, और 1/4 का 25% कितना होगा बच्चों? 1/3। तो ये दे रहा है बच्चों, सॉरी 1/4, तो बच्चों ये दे रहा है 3/16। ठीक है ना, तो 1/4 का 75% बच्चों 3/4 होता है। तो ये दे रहा है, P दे रहा है 3/16 और Q दे रहा है बच्चों 1/16। तो ये इनके सैक्रिफाइस निकलकर आ गए। ठीक है, मैंने क्या करा बच्चों, इसका 75% कैलकुलेट कर लिया। तो वो आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो P है, जो R है, वो कह रहा है मैं P से अपने शेयर का, तो इसका शेयर कितना है? इतना। इसका 75% लूंगा, तो मैंने यहां पे जो 75% है उसको कैलकुलेट कर दिया बच्चों, तो 3/4 आ रहा है ये। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। और 25% 1/4, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दे रहा है 1/16 और ये दे रहा है 3/16। अब आप लोगों का न्यू रेशो आ जाएगा। लीजिए, पी का न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, और क्यू का न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, और बच्चों आर का रेशो, तो आर का तो पता ही है हमें 1/4 है। अच्छा, ओल्ड रेशो क्या है? 5/8। ओल्ड रेशो क्या है? 3/8 माइनस माइनस सैक्रिफाइस। तो बच्चों पी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/16। क्यू कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों? 1/16। ये लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 16 8 2 16, 2 5 10, और ये आ जाएगा 3, तो बच्चों 7/16। अच्छा, एलसीएम ले लीजिए तो 16 8 2 16, 2 3 6 -1 यानी 5/16। अब बच्चों इन दोनों का डिनोमिनेटर तो 16 आ रहा है पर इसका नहीं आ रहा, तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं? 4/4, तो ये आ गया 4/16। तो बच्चों पी क्यू आर का न्यू रेशो आया है 7:5:4। ठीक है, ये इनका न्यू रेशो आ गया। पर ये किसका पार्ट होगा? ये वर्किंग नोट का, और ये वाला जो मैं आप लोगों को समझाता हूं ये रफ का पार्ट होगा। ये किसका पार्ट होगा बच्चों? रफ पार्ट। ठीक है ना, तो वर्किंग नोट का पार्ट ये हो गया। अब मेन सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा गया है, तो बच्चों ओल्ड रेशियो, पी का ओल्ड रेशियो, क्यू का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो देखो 7/16 और 5/16। ठीक है, तो एलसीएम ले लो बच्चों, 16 8 2 16, 2 5 10 -7, तो 3/16। एलसीएम ले लो बच्चों, 16 8 2 2 3 6 -5 = 1/16। तो बच्चों याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिनोमिनेटर को काउंट नहीं करते। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, पी क्यू का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। ठीक है ना, ये लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, इतनी चीजों का ध्यान रखना था आप लोगों को, और कुछ भी नहीं था ये। तो ये क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं होगा। बस इसमें कंफ्यूज क्या क्या था बच्चों, ये 75% बोल के, तो भाई 1/4 का 75% कितना होता है? 3/4, और 25% 1/4। ठीक है ना, बोलो कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कम से कम 2 बार करना, तभी आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। चलो इसको रब कर देता हूं, ये तो समझ आ गया होगा। अब स्पेशल क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो आप लोगों को गड़बड़ी हुई है आप लोगों से, या डाउट आया है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं,
अच्छा सर, हाँ ध्यान से देखो ना, लिखा रहता है क्वेश्चन पे कि वो कौन से ईयर में सीबीएसई में आया था, है ना बच्चों, ये 2020 में आया था, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है और जिसे बच्चे कर नहीं पाए, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करना। चलो बच्चों 10 का 6 देखते हैं, ठीक है ना। 10 के 6 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले क्या रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, फुल स्टॉप। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, दोबारा से समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशो है 5:3, उन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया है 3/10 शेयर से, उस 3/10 का हाफ तो ए गिफ्ट दे रहा है, अब बचा हाफ पोर्शन दोनों पार्टनर इक्वली दे रहे हैं, ए और बी यानी सी दोनों से इक्वली दे रहा है। बच्चों केस 2 है, पर यहां पे वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो पहले क्वेश्चन को समझ ले क्या कह रहा है वो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा बच्चों, दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशियो है 5:3, उन्होंने सी को एडमिट किया है 3/10 से, ठीक है। किसको एडमिट किया है, सी को एडमिट किया है 3/10 से। अब बच्चों सी 3/10 का हाफ तो ए से गिफ्ट में ले रहा है, ठीक है। ए से कैसे ले रहा है बच्चों, गिफ्ट में। सर ये 3/20 कैसा है, अरे बच्चों 3/10 का हाफ आ गया ना 3/20, तो अपने शेयर का हाफ तो गिफ्ट में ले रहा है ए से, तो बच्चों बाकी बचा हाफ, यानी बाकी बचा हाफ भी 3/20 हुआ भाई, बाकी हाफ भी तो 3/20 हुआ। अगर 3/10 का हाफ 3/20 तो दूसरा हाफ 3/20 है ये ना, तो ये लीजिए। अब हाफ तो इसे ए से गिफ्ट में मिल गया, बट बाकी बचा हाफ ये दोनों पार्टनर से यानी ए से और बी से इक्वली ले रहा है, यानी 3/20 का हाफ ये दे रहा है और 3/20 का हाफ ये दे रहा है, यानी बच्चों 3/40 एंड 3/40, क्लियर। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब बच्चों देखो, ए का बी का सैक्रिफाइस तो पता चल गया डायरेक्ट, ये बी का सैक्रिफाइस है और ए का सैक्रिफाइस ये भी है, और जो उसने गिफ्ट में दिया है वो भी है भाई, दिया तो है ना। ए ने भी दिया, ए ने पहले हाफ दे दिया फिर उसके बाद और भी उसे देना पड़ा, तो ए का सैक्रिफाइस ये। अब ये केस 2 ही है, पर हमें पता लगाना पड़ेगा पहले किस किस ने कितना सैक्रिफाइस किया। बच्चों बी ने सैक्रिफाइस किया 3/40 और ए ने कुछ ज्यादा किया, तो ए का कैलकुलेट कर लो बी का, ये लीजिए ए का सैक्रिफाइस। बच्चों उसने सबसे पहले 3/20 दिया और फिर 3/40 भी दिया है ये वाला, तो उसने एलसीएम ले लो बच्चों तो 40 ही आएगा एलसीएम, 22 जर 2 3 जर 6 + 3 यानी 9/40, ठीक है बच्चों। ए का सैक्रिफाइस आ गया, बी का सैक्रिफाइस बताओ, बी का सैक्रिफाइस भाई, बी का सैक्रिफाइस तो डायरेक्टली गिवन है 3/40। अब केस 2 है बच्चों, बस ये लैंग्वेज में, इसने लैंग्वेज में कंफ्यूज किया था, बाकी तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। लीजिए ए का न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो और सी का रेशो तो आपको पता ही है 3/10 भाई, सी तो 3/10 से ही बना है ना पार्टनर। ये लीजिए ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, तो बच्चों ओल्ड रेशो क्या है ए का 5/8, ओल्ड रेशो क्या है बी का 3/8 माइनस सैक्रिफाइस, तो बच्चों ए ने सैक्रिफाइस किया 9/40 और बी ने सैक्रिफाइस किया है 3/40। एलसीएम ले लो, 8 और 40 का एलसीएम 40 आएगा, 8 5 जर 40 और 5 5 जर 25 माइनस 40 41 तो 9, तो ये आ गया बच्चों 16/40। अच्छा यहां पे भी एलसीएम ले लो तो 40 आएगा, ठीक है ना। 8 5 जा 40 5 3 जा 15 माइनस 3, तो बच्चों 12/40। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 40 आ रहा है, तो इसका कैसे मल्टीप्लाई करूं, ये लीजिए 4 से, तो बच्चों ये आ गया 12/40,
तो इनके न्यू रेशियो आ गए बच्चों, न्यू रेशियो आ गए ए बी सी का न्यू रेशियो 16:12:12। अब अगर ये एक ही टेबल से कर सकते हैं तो इसे सॉल्व कर लो बच्चों, 6 2 4 3 4 3 और 4 4। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों रेशियो आपका 4:3:3। थोड़ा सा शॉर्ट कर ले तो और भी शॉर्ट, अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। अगर ये शॉर्ट हो सकता है तो आप कर देना एग्जाम में, अगर नहीं हो सकता है तो छोड़ देना। बोलो कोई डाउट है? क्लियर? तो बच्चों ये केस टू का क्वेश्चन था, ये रफ वर्क आप भी करना सीखिए, ये मेन सॉल्यूशन है और ये लास्ट में न्यू रेशियो मैंने निकाल के लिख दिया। हालांकि नीचे लिखना चाहिए पर जगह नहीं तो साइड में कर दे, क्या दिक्कत है, पर आप लोग अपने रजिस्टर पे नीचे की तरफ भी करना। तो बच्चों यहां पे हमारे रेशो के सारे टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं, केस वन केस टू केस थ्री, केस वन का बिग ब्रदर, केस टू का बिग ब्रदर एंड स्पेशल क्वेश्चन। मैंने सारे ही आप लोगों के बुक में जितने भी टाइप के स्पेशल क्वेश्चन थे सब ही करा दिए। अब आप लोगों को इन्हीं की प्रैक्टिस कम से कम 2 times करनी है कि आप क्लियर हो जाओ, कि क्वेश्चन पढ़ते आपको पता चल जाए कि इसमें करना क्या, ठीक है ना। आज बच्चों हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैं रब करने वाला हूं और नया टॉपिक अपना लिखने वाला हूं, वो ध्यान से समझ। अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है, ये सारा का सारा आप लोगों को नोट डाउन करना है। बट प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, इसकी जनरल एंट्री क्यों करनी है, या सर ये कॉन्सेप्ट क्यों करा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको समझ लो और फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लेना। चाहे तो अभी ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, बाद में मैं इसे शायद रब कर दूं और आप लोगों को समझाऊं कि प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, हां सर हमने ले लिया, इसे बच्चों कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूं आप लोगों को कि प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है। तो बच्चों मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना सारे लोग, इजी है, समझ आ जाएगा बच्चों। यहां पे एक मान लेते हैं एक फर्म है जिसमें 2 partners हैं, ठीक है, एक फर्म है जहां पे 2 partners हैं ए और बी, और एक नया पार्टनर है जिसका नाम है सी, ये एडमिट होना चाहता है, ठीक है ना, ये चाहता है कि फर्म में ये नया पार्टनर बन जाए, और ए और बी भी इंटरेस्टेड हैं कि आजा भाई हमारी फर्म में पार्टनर बन जा, ठीक है ना। अभी मैं ये जो लिखा हुआ इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, बट मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है। अब ये दोनों पार्टनर बहुत सालों का मतलब बच्चों मान लो 5 ईयर से फर्म में मेहनत कर रहे थे दिन रात, और फर्म को एक ऊंचाइयों पे ले जा रहे थे, ठीक है ना भाई, फर्म स्टार्ट होते ही बहुत बड़ी फर्म थोड़ी ना बन जाती है। तो ये दोनों भाई जो दोनों पार्टनर हैं ए एंड बी, ये बहुत मेहनत करके फर्म को बहुत ऊपर तक लिया है। अब आज एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा, ठीक है, और कैपिटल देके वो पार्टनर से फर्म में पार्टनर बन जाएगा। पर बच्चों यहां पे एक चीज समझने वाली है, ठीक है ना, मैं आप लोगों से एक बात स्टार्ट करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। आज फर्म को 5 साल हो चुके हैं और फर्म का प्रॉफिट बच्चों 2 lakh rupees है ईयरली, ठीक है ना, ये ईयर 5 का प्रॉफिट है। किसका है बच्चों? ईयर 5 का प्रॉफिट, ईयर 1 2 3 4 5, तो 5 का प्रॉफिट है 2 lakh rupees। अब ये 2 lakh प्रॉफिट क्या उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी कमाया होगा? मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ध्यान से समझना बच्चों। एक्चुअली मैं आप लोगों को प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है। अगर मुझे एंट्री लिखवानी है या क्वेश्चन करवाना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, अगर नहीं तो जनरल एंट्री तो मैंने लिख ही दी है पहले, आप जनरल एंट्री देख लो कर लो सॉल्व, नहीं बच्चों, बट हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है कि यार प्रीमियम फॉर गुडविल एक्चुअली होता क्या है।
तो मैं वो ही समझा रहा हूं आप लोगों को। बच्चों ये दोनों पार्टनर थे, इन्होंने फर्स्ट ईयर काम किया, सेकंड ईयर काम किया, थर्ड ईयर काम किया, फोर्थ ईयर काम किया, फिफ्थ ईयर काम किया, यानी 5 सालों से दिन रात मेहनत करके फर्म को सिंचाइयों पे लेकर आ गए कि फर्म का ईयरली प्रॉफिट 2 लाख हो रहा है। तो बच्चों स्टार्टिंग में थोड़ी ना था 2 लाख, फर्स्ट ईयर में था 20K, फिर बच्चों हुआ 50K, फिर हुआ 1K और फिर हुआ बच्चों 1.5K, 20K ठीक है, 50K, फिर बच्चों हो गया 1 लाख और फिर हो गया 1,50,000 और फिर हुआ 2 लाख। तो इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है बच्चों, 20,000 प्रॉफिट से ये 2 लाख पे ले आए 5 सालों में। तो आप समझ रहे हो ना कि जो फर्म है उसकी रेप्यूटेशन, जो उसकी ब्रांड इमेज है, जो उसकी मार्केट इमेज है, वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तभी तो ये इतना प्रॉफिट कमाने में कैपेबल हो पाए। अब बच्चों ध्यान से सुनो, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा और पार्टनर बन जाएगा और अगले साल से जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी इनका रेशो डिसाइड हुआ होगा उसमें वो प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। तो बच्चों इन दोनों ने ये जो 5 साल मेहनत करी है, इसका फल, इसका फ्रूट तो ये ले गया। कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, अरे पगले ने तो सबर ही नहीं किया, सीधे फल ही खा रहा है। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझ के तो दिक्कत ही खत्म। बच्चों 20 के से प्रॉफिट 2 लाख तक आया, इन्होंने इतनी मेहनत करी ठीक है, तब जाके 2 लाख प्रॉफिट आया। 5 साल बाद एक प्राणी आया जिसका नाम है सी और उसने बोला मुझे पार्टनर बना लो अपने पार्टनरशिप फर्म में, मैं कैपिटल देने के लिए तैयार हूं। बच्चों इसकी 5 लाख कैपिटल, इसकी 5 लाख कैपिटल है, इसने भी तैयार हो गया 5 लाख कैपिटल देने के लिए ठीक है ना। देखो ए ने भी 5 लाख कैपिटल लगा रखे फर्म में, बी ने भी 5 लाख कैपिटल लगा रखे, सी कह रहा है 5 लाख कैपिटल ले लो मुझे पार्टनर बना लो। अब ए और बी कह रहे हैं ठीक है भाई तू कैपिटल दे दे पार्टनर बन जा, पर बच्चों ये गलत है, कैपिटल तो देना ही देना है, कैपिटल तो देगा ही देगा पार्टनर कि उसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनना है। पर बच्चों 20 के से प्रॉफिट 2 लाख लाने में जो मेहनत है वो ए और बी की है, सी की कोई मेहनत नहीं है। अब तो सी तो 6th ईयर 5 लाख लगा के जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें अपना हिस्सा लेने लग जाएगा, क्योंकि बच्चों ये तो लॉ है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनके बीच डिसाइड हुआ होगा उसी में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब दिक्कत पता है क्या है बच्चों, दिक्कत ये है कि जो ए बी ने मेहनत करी है उसका फल नहीं मिला उन्हें, उसका फ्रूट तो ये लेके जा रहा है, क्योंकि भैया पहले अगर इसने 5 लाख रुपए लगाए होते पहले ईयर में तो 20K प्रॉफिट में इसको हिस्सा मिलता, फिर 50K में मिलता, पर बच्चों ये तो डायरेक्टली तब आया जब फर्म का प्रॉफिट लाखों में हो गया। तो अब ध्यान से सुनिए, ये प्रॉफिट के बेस पे गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, किसको कैलकुलेट किया जाएगा, फर्म की गुडविल को। आप लोगों को सिखाया है ना गुडविल वाले चैप्टर में गुडविल को कैलकुलेट करना, बस वही है। अब इन प्रॉफिट के बेस पे फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा और बच्चों जो नया पार्टनर है उससे इस गुडविल में शेयर लिया जाएगा, हिस्सा लिया जाएगा ठीक है। उससे कहा जाएगा, जैसे सपोज मान लो फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए आ गई ठीक है, 1 लाख, तो इससे कहा जाएगा भाई अपने रेशो के अकॉर्डिंग जो भी इसका रेशो होगा ठीक है, जो भी इसका रेशो होगा, मान लो बच्चों इसका रेशो है 1/5, तो 1 लाख में 1/5 हिस्सा कौन देगा, सी देगा, और इन पैसों को लेगा कौन, ए और बी, यही है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है, फिर से एक बार समझते हैं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं आएगा, मेरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, बस अब मुझे आप लोगों को क्वेश्चन ही कराने हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। बच्चों इन्होंने जो 5 साल मेहनत करी, नया पार्टनर तो 6th ईयर में आया है ना, तो हम फर्म के सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फर्म की गुडविल जो भी आएगी उसमें नया पार्टनर का जो रेशियो होगा उस हिस्से से वो कैपिटल के अलावा ठीक है अदर देन कैपिटल उतना पैसा और देगा गुडविल के नाम पे, पर उसे हम गुडविल नहीं कहते, क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल में अपना हिस्सा दे दो भाई, क्योंकि ये गुडविल हमने कमाई है,
बच्चों ए और बी ने मेहनत करके ये 2 लाख प्रॉफिट कमाने तक फर्म को इन दोनों ने पहुंचा है, यानी जो फर्म की गुडविल को इंक्रीज किया है वो ए बी ने किया है, सी ने नहीं किया। सी तो मजे लूटने आया है, पर हम उसे मजे नहीं लूटने देंगे, उससे उतना पैसा ले लेंगे। तो इसे कहा जाता है कि गुडविल में अपना हिस्सा दो। आप जो फर्म की आज की गुडविल है, हम कैलकुलेट करेंगे आज की गुडविल और उसमें तुम अपना हिस्सा देना, उसको कहा जाता है बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहा जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल में हिस्से को, तो गुडविल कैलकुलेट होगी, गुडविल में जो हिस्सा निकल के आएगा, जैसे 1 लाख है फर्म की गुडविल फॉर एग्जाम्पल, और उसका रेशियो है 1/5, तो बच्चों ये 20K निकल के आया, 20,000। ये 20,000 का कैश लेकर आएगा नया पार्टनर अदर देन कैपिटल, और ये लेंगे कौन? ए और बी लेंगे। बाकी तो मैंने यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, बस मुझे वही समझाना है, ठीक है? तो मुझे समझाना था कि प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है और न्यू पार्टनर उसे लेकर क्यों आता है, बस यहां पे सारी चीजें क्लियर है। अगर बच्चों कोई भी जरा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग आप लोगों को जो भी डाउट हो रहेंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अब इससे रिलेटेड अकाउंटिंग के पार्ट को देख लेते हैं। बच्चों वैन प्रीमियम जर्नल एंट्री करनी होती है हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जर्नल एंट्री करनी होती है, तो क्या होगा? वैन प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन कैश। तो बच्चों जनरल एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना? क्या जनरल एंट्री होगी? कैश या बैंक, दोनों नहीं लिखना बच्चों, दोनों नहीं लिखना, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना? तो कैश या बैंक में से कोई एक, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब ये पैसा किसके लिए लेकर आया गया है? ए बी, जो नया पार्टनर है वो ए बी के लिए लाया है बच्चों ये, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वैन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर, इस पैसे को हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जनरल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, देखो यहां क्रेडिट था, यहां डेबिट होके खत्म हो गया, और टू ओल्ड पार्टनर्स, किसको दे दिया गया? ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया गया, क्लियर? उसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि जब एक नया पार्टनर आया तो आपने गुडविल की वैल्यूएशन करी ना, तो जो पुरानी गुडविल होगी उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इफ ओल्ड गुडविल, कौन सी बच्चों? ओल्ड गुडविल, क्योंकि नए पार्टनर के आने पे आपने फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन नए तरीके से करी है, तो जो फर्म की पुरानी गुडविल, इफ एनी, अगर है तो, देखो लिखा ना, इफ ओल्ड गुडविल गिवन इन क्वेश्चन, अगर गिवन होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं करना, अगर होगा बच्चों तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे सबसे पहले, बाद में ये एंट्री करेंगे, सबसे पहले राइट ऑफ की एंट्री करेंगे अगर ओल्ड गुडविल गिवन होगा तो, ठीक है ना? तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और बच्चों कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है ना? अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन ओल्ड पार्टनर, उसके लिए बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देख लो, कह रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना बच्चों, जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ऑलवेज ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है, मैंने गुडविल का मतलब बता दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का क्यों किया जाता है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये सब। बच्चों दो इंपॉर्टेंट बातें और याद रखना, पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने वहां लिखी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। देखो मैंने लिख रखा है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना? और उसकी जनरल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहां पे ओल्ड पार्टनर के नाम आएंगे बच्चों, जैसे एज कैपिटल इस क्वेश्चन में, अगर मैं अपने ही एग्जांपल को ले लूं तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और राइट ऑफ अगर ओल्ड गुडविल कुछ गिवन है तो एंट्री होगी टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से होगा, मैं समझा देता हूं। देखो जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है ना? तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे, जैसे हमारे क्वेश्चन में दो ही हैं, तो हमने दो ही लिख दिया, ठीक है ना? तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को करना है, क्लियर हो गया ये? अब बच्चों इसको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में अच्छे तरीके से लिख लेना,
नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल कॉन्सेप्ट का बेसिक आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको किस तरीके से याद करते हो, क्योंकि ये याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल लिंक टू एवरी योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।